Hello everyone, here is the part 2 of the chapter number system. अब हम देखेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट, अगर किसी इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ ऐड कर दिया जाए तो उसका जो सम आता है वो इरेशनल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, रूट टू प्लस टू, टू इज योर रैशनल, इरेशनल हो गया रूट टू, इन दोनों का सम टू प्लस रूट टू ही रहेगा, दैट इज इरेशनल। सेकेंड, अगर हम किसी इरेशनल को नॉन जीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका जो आंसर है, यानी कि जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, वो इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल, रूट टू मल्टीप्लाई टू इज टू रूट टू। थर्ड, अगर हम किसी इरेशनल को इरेशनल से ही ऐड कर देते हैं तो उसका सम इरेशनल ही होगा, लाइक रूट टू प्लस रूट टू इज टू रूट टू। फोर्थ, अगर हम किसी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मे और मे नॉट बी अरेशनल, वो रैशनल हो भी सकता है और वो नहीं हो सकता। जैसे अगर रूट टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी टू, और अगर रूट टू इंटू रूट थ्री करेंगे सो इट विल बी रूट सिक्स। तो यहां पे वो रैशनल है और यहां पे वो रैशनल नहीं है। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि सपोज दो रैशनल नंबर है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, देन ए प्लस बी अपॉन टू लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी दो गिवन नंबर्स हैं तो ए प्लस बी अपॉन टू भी उनके बीच में लाइ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई नंबर है, एग्जाम्पल ए इज योर सेवन एंड बी इज योर फाइव, सो ए प्लस बी अपॉन टू, दैट इज सेवन प्लस फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स। सो सिक्स भी आपका इन दोनों के बीच में आ गया, दो रैशनल नंबर के बीच में एक ही तीसरा रैशनल नंबर निकल गया। तो हम इसको इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। आप सेम फॉर्मूला से जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, थ्री और फोर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। अभी तक जो फॉर्मूला किया था ए प्लस बी अपॉन टू, सेम वही फॉर्मूला चलेगा। सॉल्यूशन, अ रैशनल नंबर लाइन बिटवीन थ्री एंड फोर इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर अपॉन टू, दैट इज सेवन अपॉन टू। सो देयर फोर थ्री और फोर के बीच में सेवन अपॉन टू लाई करता है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फिर से निकालना है तो ए ये होगा और बी ये होगा। नाउ कंसिडर ए इज इक्वल टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू सेवन अपॉन टू, सो थ्री प्लस, दैट इज ए प्लस बी अपॉन टू। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट थर्टीन अपॉन फोर, सो थर्टीन अपॉन फोर जो है आपका इन दोनों के बीच में लाई करता है। देयरफॉर थ्री लेस देन थर्टीन अपॉन फोर लेस देन सेवन अपॉन टू लेस देन फोर। इसी तरीके से आपको जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं आप उतने निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। सपोज आपको यहां पे मेंशन कर दिया जाए कि आपको सिक्स रैशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर। सो सबसे पहले सिक्स निकालने हैं प्लस वन, जितने भी निकालने हैं उसमें वन ऐड कर दो, दैट इज सेवन। अब आपको क्या करना है कि आपको थ्री, यहां पे जो हमारा ए और बी है, थ्री और फोर को दोनों को ही आपको इस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर तो है नहीं, सो इट मींस डिनोमिनेटर इज वन,
नाउ मल्टीप्लाई इट विथ 7, यू विल गेट 7 थ्री जे 21 अपॉन 7 वन जा 7. सेम हेयर, मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, 7 फोर जे 28 अपॉन 7 वन जा 7. अब आपके पास ये दो नंबर्स आ गए, अब इन दोनों के बीच का आप निकाल लेंगे. कैसे? 21 अपॉन 7 है तो देन 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7 एंड लास्ट इज 28 अपॉन 7. इन दोनों के बीच में 6 निकालने थे तो ये 6 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपका आंसर आ गया. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट. अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.